आगे बढ़ते हुए बात करेंगे ममता बनर्जी की संपत्ति की। ममता बनर्जी दावा करती हैं कि बंगाल पिछले 5 साल में आगे बढ़ा है, लोग समृद्ध हुए हैं, लेकिन ममता बनर्जी की संपत्ति घटी है। जितनी संपत्ति 2016 में उनके पास थी उसके मुकाबले ममता के पास अब आधी संपत्ति है। ममता बनर्जी का नाम जुबान पर आते ही आपके जहन में जो तस्वीर उभरेगी वो है सफेद साड़ी और हवाई चप्पल। ममता बनर्जी की सादगी ही उनकी पहचान है, लेकिन सवाल ये है कि ममता बनर्जी के पास कितना पैसा है, ममता बनर्जी के पास कितनी संपत्ति है, इसका खुलासा उनके नामांकन दायर करने पर हुआ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2016 के मुकाबले ममता बनर्जी गरीब हुई है, यानी उनकी संपत्ति कम हुई है। हमने ममता बनर्जी की 2016 और 2021 की संपत्ति की तुलना की तो ये सामने आया। अभी ममता बनर्जी की संपत्ति 16,72,000 रुपए की है, लेकिन 5 साल पहले 30,45,000 रुपए थी। आप समझ लीजिए कि ममता बनर्जी की संपत्ति 13,73,000 रुपए कम हो गई। ममता के पास अभी 9 ग्राम सोना है जिसकी कीमत 43,838 रुपए है। 2016 में भी ममता के पास 9 ग्राम सोना ही था, लेकिन उसकी कीमत उस वक्त मात्र 26,380 रुपए थी। इस वक्त ममता के पास कैश 69,255 रुपए है। 2016 में ममता कम कैश रखती थी, उनके पास उस वक्त सिर्फ 18,436 रुपए कैश था। बैंक बैलेंस की बात करें तो ममता बनर्जी का 13,53,000 रुपए का बैंक बैलेंस है। 2016 में 27,61,430 रुपए बैंक में थे। बचत की बात की जाए तो NSC के जरिए ममता बनर्जी ने 18,490 रुपए बचाए हैं। 2016 में भी ये 18,490 रुपए ही थे। 2019-20 में ममता बनर्जी ने 1,85,000 रुपए टैक्स दिया है, जबकि 2014-15 में ममता बनर्जी ने 5,92,655 रुपए टैक्स दिया था। 2019-20 में ममता बनर्जी ने 10,34,370 रुपए कमाए हैं। ममता का मुकाबला नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से है। 2016 में ममता बनर्जी के पास 30,45,000 रुपए थे, जबकि शुभेंदु अधिकारी के पास 62,60,742 रुपए थे, यानी शुभेंदु उस समय अपने कैप्टन से ज्यादा अमीर थे। पूजा मेहता, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग वी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।